नाम डॉक्टर विपिन सिसोदिया है, मैं यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। जैसे आप जान रहे हैं, हम सबको पता है कि गर्मियों का मौसम आने ही वाला, जस्ट होली खत्म हो चुकी है और मौसम शुरू हो गया है, तो जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी किडनी स्टोन्स बहुत बढ़ते जाएंगे। तो हम आज बात करेंगे किडनी स्टोन्स बनते क्यों हैं। सबसे कॉमन कारण किडनी स्टोन्स बनने का होता है कम पानी पीना या स्वच्छ पानी, साफ पानी ना पीना, हाई सॉल्ट इंटेक वाला पानी पीना। तो अगर हम पानी की मात्रा बढ़ा दें तो सबसे पहले किडनी स्टोन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। कुछ लोगों को इन्फेक्शन की वजह से, जिनको यूटीआई होता रहता है, उनको भी इसकी वजह से स्टोन्स बन जाते हैं, तो यूटीआई है तो उसको ट्रीट करना। किसी लोगों को जन्मजात होता है, हेरिडिटरी कुछ रीजंस होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, इसकी वजह से स्टोन्स बनते हैं। मेनली छोटे बच्चों में ऐसा होता है कि हेरिडिटरी इशूज़ होते हैं जिनकी वजह से बच्चों के अंदर स्टोन पाए जाते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर भी उस लेडीज़ के अंदर स्टोन मिलते हैं। और एक स्टोन्स अगर हैं तो हम क्या करें। मेन यूजुअली दर्द होता है जब इंसान को, तो बहुत ज़्यादा इतना दर्द होता है कि पूरे पड़ोस को पता लग जाता है कि हाँ जी किडनी स्टोन हुआ है या स्टोन यूरेट्रा से पास किया है। तो ऐसे चीज़ों में हम पेशेंट को दवा देते हैं और कोशिश करते हैं कि ये स्टोन अपने आप निकल जाए। और अगर लगता है ये स्टोन अपने आप पास नहीं हो सकता है तो फिर हम इसका आगे उपचार बोलते हैं या सर्जरी बोलते हैं।